झांसी में अरच थाना इलाके में मीर साहब मचार के पास से पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट और चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूट के 95,000 रुपए, 2 लग्जरी गाड़ियां, 4 मोबाइल समेत 2 तमंचे और 7 कारतूस भी बरामद किए हैं। बदमाशों से पूछताछ की तो उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थाना इलाकों में लूट और चोरी करने की कई घटनाओं को कबूल किया। पुलिस ने पकड़े गए अंतर्राज्यीय बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया। एसपी देहात नेपाल सिंह ने बताया कि अरच थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मीर साहब की मजार के पास 5 लोग योजना बना रहे हैं और डकैती की फिराक में हैं। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी करके 5 बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम गयापाल, छोटी लाल, नरेंद्र पाल, सुंदर और अजय बताया। फिर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो बदमाशों ने स्वीकार करते हुए बताया कि मोट के सैमरी और भुजोंदा घटना को अंजाम दिया था। वहीं पूछ थाना के खिल्ली गांव में भी एक घर में घटना को अंजाम दिया था और मध्य प्रदेश के दतिया के इंदरगढ़ लूट की घटनाओं को कारित किया। जालौन के डंगोर में भी लूट की घटना को करना कबूल किया। पुलिस गिरफ्त में आए सभी बदमाशों के खिलाफ संगीन धाराओं में यूपी एमपी के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से 2 तमंचे, 7 कारतूस, 1,00,000 रुपए और 2 गाड़ियों के अलावा 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। आप सभी लोग साथ अवगत होंगे कि एडी जोन कानपुर सर और डीआईजी रेंज महोदय झांसी के प्रवेक्षण के आलोक में और एसएसपी झांसी महोदय के कुशल निर्देशन में जनपद झांसी के अंदर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो रात्रि गश्त के दौरान हो, संदिग्ध वाहनों की तलाशी हो, संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी हो के रूप में की जा रही है। इसी अभियान की श्रृंखला में एसएचओ एरएच संदिग्ध वाहन, संदिग्ध तलाश और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में अपने थाने से रवाना थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि 5 व्यक्ति मीर साहब के मजार के पास कुछ योजना बना रहे हैं, डकैती की योजना ऐसी बात करें, डकैती घटना करने की फिराक में है। तो इस सूचना पर तत्काल एसओएलएच मैफोर्स के रवाना हुए और 5 को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम गया प्रसाद, छोटे, नरेंद्र, अजय आदि बताया। जब इनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि इनके द्वारा सेमरी भुजोन जो थाना मोड में पड़ता है वहाँ घटना कार्य किया है, खिल्ली में घटना कार्य किया है जो पूछ में पड़ता है, इंदिरागढ़ थाना पड़ता है दतिया के अंदर वहाँ भी घटना किया है और एक डकोर के अंदर जो घटना भी फिलहाल किया है वो जालौन की घटना को स्वीकार किया है।